नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, हमारे देश के संसद में इस वक्त चुनकर हमारे प्रदेश से गई हैं श्रीमती कलाबेन डेलकर, और आज उन्होंने अपना पहला मुद्दा किस तरह से प्रदेश के हित में रखा है उसे आप भी देखिए। मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से काफी कठिन परिस्थितियों में अपना पहला चुनाव जीतकर आई हूं। मुझसे पहले मेरे पति श्री मोहन भाई डेलकर जी इस सदन में 7 बार सांसद बन करके अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मेरा प्रदेश जिन विकट परिस्थितियों में गुजर रहा था, उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे प्रदेश एवं देश के सबसे वरिष्ठ सांसद जी को अपना बलिदान देना पड़ा। मेरा प्रदेश आज भी बहुत गंभीर एवं कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते बावजूद हमारे दोनों प्रदेश जनप्रतिनिधि एवं जनता हक अधिकार छीनकर हम पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी गंभीर समस्या एवं कठिन परिस्थितियों को देखकर मैं आपसे नम्र विनती करती हूं कि हमारे दोनों प्रदेश को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पूर्ण असेंबली दी जाए, ताकि दोनों प्रदेश की जनता को उसके हक एवं अधिकार वापस मिल सके। श्रीमती रंजना बेन भट्ट सर, वर्ष 2014 में महामहिम उपराष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने दोनों प्रदेश को विधानसभा देने की सिफारिश की थी। यह मुद्दा 2019 में हमारे प्रदेश के तत्कालीन सांसद श्री मोहन भाई डेलकर जी ने सदन में उठाया था। महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी एवं भारत सरकार से नम्र विनती करती हूं कि इस मामले में तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए, करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली। तो ये थी श्रीमती कलाबेन डेलकर, जिन्होंने अपने प्रदेश के मुद्दे को स्वर्गीय सांसद मोहन डेलकर जी के देहांत को लेकर जिस तरह से उन्होंने जो आत्महत्या मामला है उसको बताया कि किस तरह प्रदेश में मोहन डेलकर जी ने हमेशा से, जब से भी वो चुनकर गए, तो हमारे प्रदेश आदिवासी क्षेत्र की जिस तरह से उन्होंने अपने मुद्दे को रखा है उसकी भी बात उन्होंने कही। इस वक्त अगर आप ध्यान देने की बात अगर करेंगे तो इस वक्त हमारे जो संसद के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो भी वहां पर मौजूद थे और तमाम संसदों के बीच में उन्होंने अपने इस मुद्दे को उठाया। हालांकि ये खबर आपको कैसा लगा बताने ना भूले। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।